क्या होगा अगर आप हैकर्स ओनली सर्वर को ज्वाइन करो। यहाँ नॉर्मल प्लेयर्स को गुलाम बनाकर रखा जाता हो। ऐसे कुछ एक सर्वर को मैं ज्वाइन करता हूँ अपने दोस्त को हैकर से बचाने के लिए। पर जैसे ही मैं सर्वर को ज्वाइन करता हूँ मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 50K के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। एंड अगर आपने मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर 50K का एक स्पेशल इवेंट होने वाला है। सो फाइनली मैंने सर्वर को ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर बेडरॉक लगा हुआ है। अबे ये क्या था? ओ, एक नया बंदा आया भाई शरण में। इसका भी वही हाल करते हैं जो पुराने वाले का किया था। अरे ये कौन है बॉस? इसको तो कभी देखा भी नहीं है SMP के अंदर, अभी ज्वाइन किया हुआ लग रहा है। न्यू प्लेयर आया भाई, इसका कुछ स्वागत तो करना पड़ेगा ना। ब्रो इसके साथ वही करे क्या जो लास्ट टाइम किया था हमने? एक सेकंड भाई, तुम दोनों फ्लाई कैसे कर पा रहे हो? तेरे को पता नहीं है क्या ये हैकर्स ओनली सर्वर है? बॉस इसे तो ये भी नहीं पता है, इसे तो हैकिंग भी नहीं आती होगी। बॉस मैं कहता हूँ इसे बैन कर देते हैं। इसे हैकिंग भी नहीं आती तो ये हमारे कुछ काम का भी नहीं है। मुझे यूजलेस कहना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। ये तो कहने की बातें हैं, वो तो वक्त बताएगा। मार दे इसे। कुछ हैकर्स ने पहले से स्पॉन ट्रैप बनाया हुआ था ताकि कोई भी न्यू प्लेयर ज्वाइन करे तो उसे ट्रोल कर सके। ऐसे कुछ मेरे साथ हो रहा था। यहाँ से भागने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि मेरे पे अभी कुछ भी नहीं है जिससे मैं हैकर्स का सामना कर पाऊँ। मार दे इसे। मरने के लिए रेडी हो जा। आज ही तू आया है और आज ही तू बैन होने वाला है। स्पाइस भाई जल्दी मेरे ऊपर राइट क्लिक कर भाई, इससे पहले एल्टर को बैन कर दे। अबे मैकेमो तू यहाँ पर कैसे? अबे मुंह क्या देख रहा है, जा पकड़ उन्हें, पीछा कर उनका। ओके बॉस जा रहा हूँ। कहाँ तक भागेंगे ये? अबे तेरे को बोला था ना कि जब मैं बोलूँ तभी सर्वर को ज्वाइन करना, भाई तू बिना पूछे क्यों ज्वाइन कर लेता है? भाई तू जल्दी निकल, वो हमारे पीछे आ रहा है। अरे भाई मैं तो फुल स्पीड में रॉकेट चला रहा हूँ। वेट, अबे शिट रॉकेट खत्म हो गए। अरे पागल है क्या भाई, वो हमें पकड़ लेगा। अरे रॉकेट खत्म हो गए यार, अब यहाँ से कैसे भागे? एक काम कर, यहीं पर रह, बाहर मत निकलना। एक सेकेंड, यहीं पर तो थे ये, कहाँ चले गए? ओ नो भाई वो ऊपर ही घूम रहे हमारे। अरे कहाँ गए? अगर मैंने जल्दी नहीं ढूंढा तो बॉस मुझे मार देंगे। अरे अभी कहाँ पर जाए? स्पाई इधर आ, मेरे पीछे आ। भाई तेरे को एक काम दिया था तेरे से ढंग से, वो भी नहीं हो पाया। मैं उनका पीछा कर ही रहा था बट वो एकदम से गायब हो गए। मुंह बंद रख अपना, तेरे को मैंने हैकिंग इसलिए सिखाई थी क्या? दो मामूली से प्लेयर्स ऐसे मर नहीं पाए, ले जाओ इसे। अरे बॉस आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। तेरे को मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ, 2 दिन के अंदर अंदर वो मेरे सामने होने चाहिए, नहीं तो उन दोनों से पहले मैं तेरे को बैन कर दूंगा। बॉस आप देखते जाओ उन दोनों को मैं अभी कैसे पकड़ता हूँ। अरे इतने टाइम से लेकर कहाँ पर जा रहा है तू? हाँ बस हम पहुँचने वाले, बस तू मेरा पीछा करते रहे। फाइनली हम दोनों यहाँ पहुँच गए हैं, अभी यहाँ पर हम दोनों बिल्कुल सेफ है। अबे यही मेरा बेस है एंड सर्वर के अंदर किसी हैकर को मेरे बेस के बारे में नहीं पता है। नाइस भाई, बेस तो तूने अच्छा बनाया है। अरे वो सब तो ठीक है, तू सबसे पहले तो ये बता कि सर्वर के अंदर चल क्या रहा है। अरे एक सेकंड रुक, बता तू सबसे पहले तू यार। एक मिनट, ये स्टफ ले सबसे पहले तो, एंड थोड़ा बहुत फूड भी रख ले, काम करो। और टोटम्स तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो रख ही ले। ये आर्मर ले ले एंड इसे पहन ले। चल भाई आर्मर देने के लिए तो शुक्रिया। एंड अभी पूरी बात बता कि तूने मेरे को इस सर्वर के अंदर किस मोटिव से बुलाया है। चल मैं तेरे को शुरुआत से सारी बातें बताता हूँ। अभी तो ये सर्वर हैकर्स वाला है बट पहले ये बिल्कुल भी हैकर्स वाला सर्वर नहीं था भाई। पहले इस सर्वर ना सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्लेयर खेलते थे, कोई भी हैकर नहीं था। देख अगर कोई भी हैक यूज करने की कोशिश करता था ना वो ऑटोमेटिकली ही सर्वर से बैन हो जाता था। एक सेकंड, अगर इस सर्वर के अंदर एंटी चीट का प्लगिंग है तो इस सर्वर के हैकर्स बैन क्यों नहीं हो जाते? वो प्लगिंग नहीं है क्या अभी? भाई ये सब कुछ ना उसकी गलती के कारण हो रहा है। अगर वो नहीं होता ना ये सब कुछ होता ही नहीं कभी। आज से 3 महीने पहले एरिस नाम के एक प्लेयर ने एंटी चीट के प्लगइन को कमांड ब्लॉक की मदद से अपने आप को व्हाइटलिस्ट कर लिया था एंड तभी से इस सर्वर में सिर्फ और सिर्फ हैकिंग हो रही है। एक सेकंड, अपने आप को व्हाइटलिस्ट, इसका मतलब तो वो बैन नहीं हो सकता, पर जो दूसरे लोग हैं सर्वर में वो हैकिंग का यूज कैसे कर पा रहे हैं? वो तो व्हाइटलिस्ट भी नहीं है।
किया है। उस एरिस नाम के बंदे ने ना भाई यहाँ के सारे हैकर्स को भाई अपनी पावर्स दे रखी है, जिससे कि वो प्लगइन के द्वारा बैन नहीं होते या फिर प्लगइन उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता बेसिकली। बट यार इन हैकर्स के पास ना बहुत ही लिमिट में पावर्स है। एंड अपसाइड हमारा ये है ना कि उस प्लगइन की वजह से कोई भी हैकर हम पे टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। भाई ये तो अच्छी बात हो गई, पर हैकिंग तो हम भी कर सकते हैं हैंक क्लाइंट लगाकर। भाई तू ना गलती से भी हैक क्लाइंट मत लगा देना, वो प्लगइन तेरे को ऑटोमेटिकली ही बैन कर देगा। तो भाई हम दोनों सर्वर को कैसे बचाएंगे? कोई हैकर आकर हमें 1-8 कर जाएगा भाई, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, एक रास्ता है अभी भी जिससे कि हम इस पूरे सर्वर को दोबारा से पीसफुल एंड नॉर्मल कर सकते हैं। देख अगर हम समहाउ उस कमांड ब्लॉक को दोबारा से डिस्ट्रॉय कर देते या डीएक्टिव कर देते हैं तो हम इस सर्वर को दोबारा से पीसफुल बना सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। एक सेकंड, ये TNT की आवाज कहां से आ रही है? अबे एक सेकंड, तेरे को ये जगह कैसे मिल गई? फाइनली अभी ढूंढ ही लिया तुम दोनों को, अभी कहाँ पे भागोगे मेरे से? लास्ट टाइम तो तुम बच गए, लेकिन अभी नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो वरना मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। भाई वैसा ही तो तेरा दिमाग है बिल्कुल टेढ़ा। अरे अभी क्या करना है, तुम बुरा फंस गए। तुझे लगता है इस टाइम मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की होगी? तू बस मेरा पीछा कर। अबे ये क्या है, तू बस मेरे पीछे चल। भागने का कोई फायदा नहीं है। ये क्या बना रखा है तूने? बस तू मेरे पीछे पीछे आते रहे। अरे भाई वो हमारे पीछे आ रहा है। कोई नहीं, अभी फंसने वाला है। अबे अभी मौका है, जल्दी निकल यहाँ से। चल चल भाई जल्दी निकल। लेट्स गो, फाइनली हमने हैकर को ट्रैप कर दिया। भाई कितना नूबड़ा है ये हैकर। अरे एक सेकंड, तुम मुझे इसने चिंदी से ट्रैप में फंसा कर निकल जाओगे यहाँ से? अबे यहाँ पे कैसे आ गई ये? अब कोई फायदा नहीं है यहाँ से भागने का, अच्छा यही रहेगा कि तुम मेरे साथ आ जाओ। देख तेरे साथ हम लोग ऐसे तो नहीं जाने वाले, या तो तेरे को मार के यहाँ से आगे जाएंगे या तो तेरे से मर के तेरे साथ जाएंगे। बहुत सुन ली तुम दोनों की बकवास, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। भाई अरे आ रही है भाई वॉइस। एक सेकंड, ये हम लोग कहाँ पर हैं? पता नहीं भाई, जब हम हैकर से मरे तो फिर कुछ लोड हुआ एंड फिर देखा तो हम यहाँ थे। ये हम लोग है कहाँ पर, ये तो स्पॉन भी नहीं लग रहा है। अबे वही तो यार, ये कुछ अलग सी जगह है भाई, यहाँ देखना कुछ टूट भी नहीं रही है, पेड़ भी नहीं टूट रहा है देख। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, एस्केप करने की ट्राई कर रहे हो क्या? अबे जो भी है तू, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है वरना हमारे यहाँ तो पिट जाएगा यहीं पे। अच्छा मुझे धमकी दे रहा है, दमे तो हाथ लगा के दिखा। भाई ज्यादा पर नहीं निकल रहे तेरा, ज्यादा हवा में उड़ रहा है भाई तू। अरे सर वहाँ पे देखो, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनकी फाइट रुकवाओ जाकर। इनकी इतनी हिम्मत, तेरे को तो मैं बाद में बताता हूँ। अबे जा रहा तू, काम कर अपना। अबे पागल हो क्या, अभी कांड हो जाता, एक काम करो तुम दोनों मेरे पीछे आओ। एक सेकंड, पर तू है कौन एंड हम तेरी बात क्यों माने? अरे मैं सब कुछ बताता हूँ, पहले तुम दोनों मेरे पीछे आओ, अगर वो फिर से आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखो अभी तुम जिस जगह पे आए हो ये एक प्रिजन है। व्हाट प्रिजन? अबे मैं क्यों मानूं, तूने तो कभी मुझे बताया नहीं कि सर्वर के अंदर प्रिजन भी है। अरे मैं तो खुद ही पहले बार सुन रहा हूँ कि सर्वर में प्रिजन भी है। तो देखो जब कोई भी प्लेयर हैकर शॉट से मरता है तो वो प्लेयर यहाँ पे इस प्रिजन में आ जाता है, एंड तुम दोनों भी हैकर शॉट से मरे होंगे, इसकी वजह से तुम यहाँ पे प्रिजन में आ चुके हो। हाँ हम एक हैकर से मरे तो थे। एक सेकंड, उस हैकर ने हमें 1-shot किल किया था एंड जब हमने रिस्पॉन्ड किया तो हम दोनों यहाँ पर थे, इसका मतलब उस हैकर ने हैकर्स वर्ड को यूज किया था। एग्जैक्टली, तुम्हें ये जो प्लेयर दिख रहे हैं ये सब हैकर शॉट से मर के यहाँ पे आए। तो प्रिजन से निकलने का कोई रास्ता तो होगा ही ना? अगर कोई रास्ता होता तो हम कब के निकल जाते, जब तक तुम इस प्रिजन में हो तब तक तुम एक भी ब्लॉक ब्रेक नहीं कर पाओगे। अरे हाँ मैं भी कुछ तोड़ नहीं पा रहा हूँ। ओए तुम तीनों, अब तुम लोग का जेल में जाने का वक्त आ गया है, अभी तक बाहर क्या कर रहे हो, टाइम का पता नहीं है क्या तुम लोग को? ये काम पर लेकर जा रहा है। अरे ये जो जो कहते हैं वैसे ही तुम करते जाओ। सॉरी हम लोग भूल गए थे, हम जा रहे हैं। ये लो थोड़ी थोड़ी ब्रेड खाओ। एक बार अगर मुझे मौका मिल गया ना इसे छोड़ने नहीं वाला मैं। अभी पीसफुल रहना हमारे लिए सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो भाई हम पूरी जिंदगी यहीं फंसे रहेंगे क्या? नहीं मेरे पास एक प्लान है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बता सकता, अभी के लिए सुबह होने का वेट करो। Hmm.
जल्दी बता प्लान क्या, तूने बोला था कल बताएगा। मैं एक महीने से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ एंड मैंने एक महीने में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है इस प्रिजन के बारे में। इस प्रिजन में दो गार्ड है जो कि इस पूरे के पूरे प्रिजन को गार्ड करते हैं, पर इनमें से एक गार्ड रात को 10 बजे ऑफलाइन चले जाता है एंड 10 बजे सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड बचता है। तुम दोनों मेरे पीछे आओ। तुम दोनों को ये लावा दिख रहा है, यही एक रास्ता है यहाँ से बाहर जाने का, बट इसके अंदर जाने के लिए हमें इसके गेट को ओपन करना पड़ेगा एंड इस गेट का बटन हमें उस गार्ड के कमरे में मिलने वाला है। तो भाई तू गार्ड के कमरे में जाकर उस गेट को खोल कर नहीं देता, क्योंकि वो गार्ड ज्यादातर उस कमरे में ही रहता है। मुझे बस उस गार्ड को एक जगह पे ट्रैप करना है और बाकी काम तो मैं संभाल लूंगा। उसे ट्रैप करना है? देख मैं गार्ड को ट्रैप करवा सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे इस प्रिजन को थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा। हाँ तुम दोनों थोड़ी देर प्रिजन को एक्सप्लोर करो, तब तक मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चल फिर एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा इस प्रिजन को। हम एक प्रिजन के अंदर ट्रैप हो गए थे। जो भी प्लेयर इस प्रिजन के अंदर ट्रैप हुआ है वो आज तक एस्केप नहीं कर सका। स्ट्राइडर के हिसाब से इस प्रिजन से निकलने का एक ही रास्ता है जो कि है ये लावा पोर्टल। पर इस पोर्टल का गेट खोलने के लिए हमें गार्ड के रूम में जाना पड़ेगा एंड गार्ड के रूम में जाने के लिए हमें गार्ड को ट्रैप करना होगा। अबे यहाँ से जाने का रास्ता है तो है, अबे शिट यहाँ से तो जा ही नहीं सकते। इस वॉल पे बैरियर लगा हुआ है। एक सेकंड, यहाँ पर एक डोर है। अरे पर इसके अंदर कैसे जाएंगे हम? ये दरवाजा तो बंद है। यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है। अबे यहाँ से तो जाने का रास्ता ही नहीं है, तो सिर्फ देखने के लिए है। हमें और कोई जगह देखनी होगी। अगर हमें गार्ड को ट्रैप करने के लिए कुछ मिल गया ना, तब तो मैं उसे इजिली ट्रैप कर दूंगा। अबे यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलने वाला यार, ये तो पूरा ओपन ग्राउंड है। क्या करे भाई, यहाँ से कैसे निकले यार, कितने ज्यादा दिन हो चुके हैं यहाँ पे फंसे हुए। एक सेकंड, अबे ये क्या है, ये देख। अबे रास्ता है क्या यहाँ पर? अबे चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। अबे भाई ये तो वही आ गए। हमने पूरा प्रिजन एक्सप्लोर कर लिया था पर हमें अभी तक वो जगह नहीं मिली यहाँ पर हम गार्ड को ट्रैप कर सके। पर हमें यहाँ से जल्द निकलना है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली मेरे पे एक प्लान आता है। स्पाई नहीं यार कोई जगह जिससे हम उसे ट्रैप कर सके। अब छोड़ भाई, रहने दे ढूंढने को। एक सेकंड रुक भाई, मेरे को लगता है वो वर्क कर सकता है। क्या वर्क कर सकता है? मेरे दिमाग में एक प्लान आया है जिससे हम गार्ड को ट्रैप कर सकते हैं एंड वो बाहर भी नहीं आ सकता। अभी जल्दी बताना प्लान मेरे को। रुक जा, स्ट्राइडर को भी बुला के लाता हूँ। चल भाई मैं अभी चलता हूँ, मेरा टाइम हो गया जाने का। हाँ ठीक है जाओ तुम। और हाँ प्रिजनर्स को खाना दे देना, और अभी चलता हूँ मैं। एक दिन अगर इसकी कुर्सी मेरी हो गई ना फिर बताऊंगा इसे। प्लान तो सभी समझ गए ना? यस अच्छे समझ गया, बस होप करो कि ये प्लान वर्क कर जाए। अरे बॉस थे कहाँ आप इतने दिनों से? मुझे और भी बहुत ज्यादा काम होते हैं, और मैंने जो तेरे को काम दिया था क्या तूने वो किया? अरे ऑफ कोर्स बॉस, जैसे कि मैंने कहा था मैंने उन दोनों को पकड़ लिया है। अबे है कहाँ वो लोग, मुझे दिख तो नहीं रहे। वो दोनों अभी प्रिजन में है। वाह भाई तूने तो मेरा काम बहुत ज्यादा ही आसान कर दिया, इस बार भी तूने बहुत अच्छा काम किया है। अरे बॉस मैं अपने वादों का पक्का होता हूँ, वो दोनों तो बहुत आसानी से मर गए। चल अभी ज्यादा बातें मत कर और मुझे लेके चल उनके पास। हाँ चलो चलो, ज्यादा दूर भी नहीं है प्रिजन। ये लो जल्दी जल्दी अपना खाना खा लो। एक सेकेंड, ये कहाँ गया? अबे यहीं पर तो था ये, अंदर तो यहाँ पर कोई नहीं है। अबे ये भी नहीं है यहाँ पर, तो ये कहाँ भाग गया? यहाँ पर तो कोई रास्ता भी नहीं है भागने का। ओ शिट, ये तीनों ही नहीं है यहाँ पर, तो ये लोग चले कहाँ पर गए? एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर से तो कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। भाई स्पाइक की तरह मस्त प्लान बनाते हैं यार तू, और ये नुबड़ा वाला ट्रैप में फंस भी गया। ओ ये क्या किया, बाहर निकालो मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, निकालो मुझे जल्दी, तुम्हारा बॉस हूँ मैं। भाई बॉस होगा अपने घर पे, यहाँ हमारे सामने तू भीगे बिल्ली है। अरे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो एंड जल्दी चलो वरना दूसरे गार्ड आ जाएंगे। हाँ ठीक है जल्दी चल। हम लकी है, इसने डोर बंद नहीं किया। अरे वो है ही नुबड़ा। अरे ये डोर तो बंद है। ये वही रूम है जहाँ पे पोर्टल का गेट ओपन होता है, पर हम इसके अंदर कैसे जाएं? तुम दोनों मेरे पीछे आओ, मुझे रास्ता मिल गया। हम सभी यहाँ से भी जा सकते हैं उस रूम में। अबे हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं। ओ पहुँच गए। अबे यही है क्या गेट का बटन? यहाँ पर तो बहुत सारे लीवर्स लगे हुए हैं। हाँ यही है, लेकिन हमें इसका पैटर्न समझना पड़ेगा। हम फाइनली गार्ड के रूम में आ गए थे, अभी हमें बस पोर्टल के गेट को ओपन करना है एंड इस प्रिजन से एस्केप करना है। हमारे पास बहुत कम समय है, हमें जल्द से जल्द इस प्रिजन से निकलना होगा क्योंकि अभी हम 100% सिक्योर नहीं है। अरे इसका कुछ तो क्लू होगा ही ना। मैं ट्राई करता हूँ, आई थिंक मेरे को आता है। अबे हो गया क्या गेट ओपन? यस हो गया, जल्दी निकलो यहाँ से। अबे लेट्स गो भाई, जल्दी चलो पोर्टल में।
फाइनली भाई इसका गेट ओपन हो गया। निकालो मुझे वरना आगे जाके तुम बहुत पछताओगे। मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो और जेल में चले जाओ। अबे जा ना भाई तू जा, हम तो जा रहे हैं, अपने बॉस को कह दियो। वैसे तेरा समय भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। हम तो जा रहे हैं, तू सड़ जेल में। अबे ये कहाँ पर आ गए? अबे हाँ भाई, ये कौन सी जगह है? अबे क्या जगह है ये तो टॉर्चर रूम लग रहा है भाई। किसका बेस है ये? किसी का भी बेस हो सकता है, पर हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि वो लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं। हाँ चल भाई, फाइनली हम प्रिजन से बाहर आ गए। मेरे को तो लगा था पूरी जिंदगी वहीं पर रहना पड़ेगा। फाइनली बॉस, हम प्रिजन में पहुंच गए। एक सेकेंड, ये दरवाजा कैसे खुला पड़ा है? वॉट, ये वाला भी खुला है? अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कहाँ चला गया ये गार्ड? मेरे पे ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी मिला मुझे उनसे। ओके, सॉरी बॉस, आप बस मेरे पीछे आओ। ये रहे वो दोनों। एक सेकंड, व्हाट? प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, सभी भाग गए। कहाँ पर है वो दोनों? जल्दी मिलवा मुझे उनसे। तेरा मतलब है उन दोनों ने इस प्रिजन से एस्केप कर लिया? उन दोनों ने मुझे यहाँ फंसा दिया और मौके का फायदा उठाकर पोर्टल यूज करके भाग गए। बॉस सॉरी, वो दोनों भाग गए यहाँ से। ये भी किसी काम का नहीं निकला, लगता है मुझे उसे बुलाना ही पड़ेगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है और मुझे उसकी मदद लेनी ही पड़ेगी। कुछ दिनों के लिए हम यहाँ पे रह सकते हैं। यार फिर ऐसे तो हम इस सर्वर को कभी नहीं बचा पाएंगे। एक सेकंड, तुम इस सर्वर को बचाना चाहते हो हैकर से? हाँ भाई, इसी चक्कर में तो हम उस प्रिजन में चले गए थे। फाइनली कोई तो आया आगे। अच्छा तुमने प्लान बनाया होगा कैसे डिफीट करना है एरिक को। हम हैकर्स को पीवीपी के अंदर नहीं हरा सकते एंड ना ही हम उन्हें ट्रैप कर सकते हैं, तो कैसे डिफीट करेंगे हम? नहीं, एक चीज है जिससे तुम हैकर्स का सामना कर सकते हो। तो वो चीज क्या है? वो चीज है सोल ईटर, जिसके मदद से हम हैकर्स की पावर को 5 मिनट के लिए डिसेबल कर सकते हैं। भाई तूने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? एंड तेरे पे भी वो सॉर्ड है? मेरे पे वो सॉर्ड नहीं है। अगर तुम्हें वो सॉर्ड चाहिए तो तुम्हें किंग के पास जाना पड़ेगा। किंग? इसका नाम तो हमने कभी नहीं सुना। चल एक काम कर, तू जल्दी उसके बेस रिकॉर्ड से अभी के अभी हम वो सॉर्ड उसके पास से लेके आते हैं। ये मत सोचना कि वो तुम्हें इतनी आसानी से सॉर्ड दे देगा। क्यों, ऐसा क्या है उसमें? एंड वैसे भी हम उस सॉर्ड का गलत यूज छुटना करने वाले हैं। मैंने उस सॉर्ड को लेने का ट्राई किया था एंड उसने गुस्से में आकर मुझे मारना चाहा, बट मैं किस्मत से वहां से भाग गया। अगर तुम ऐसे ही उस सॉर्ड को मांगने जाओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हो सकता है। तो फिर मिलेगी कैसे हमें वो सॉर्ड? तुम्हें उसके बेस से वो सॉर्ड को चोरी करना पड़ेगा। चोरी? अबे हम तेरे को शक्ल से चोर दिखते हैं क्या? हम कोई चोरी वोरी नहीं करने वाले। मैंने तुमको उनके बेस के रिकॉर्ड्स दे दिए है। अबे कैसी सी स्किन पहना दिया इसने भी। भाई इस टाइम जा रहा हूँ, अगले बार से नहीं जाऊंगा चोरी करने। ऑल द वे, सॉर्ड को लेकर ही वापस आना। वो सॉर्ड लेकर ना सबसे पहले इसे टपकाऊंगा। अरे पागल है क्या, इसकी वजह से जिंदा है अभी हम। अब तू भी उसकी साइड ले रहा है? अरे भाई तू कुछ भी मत बोल। सोल ईटर, इस वॉर्ड से हम हैकर्स की पावर्स को 5 मिनट के लिए डिसेबल कर सकते हैं। अगर हमें ये वॉर्ड मिल गई तो चांसेस है कि हम एरिक को डिफीट कर पाए, पर इस वॉर्ड से ओनली नॉर्मल हैकर्स ही इफेक्ट होते हैं। अगर हमें उस कमांड ब्लॉक को तोड़ना है तो हमें इस वॉर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। फाइनली पहुंच गए उसके बेस पे। अबे इसे बेस कौन कहता है? अबे देख गलत जगह तो नहीं आ गए ना हम? नहीं, कॉर्ड्स के हिसाब से तो यही जगह है। अभी तो प्लान सुन, तेरे को इनके बेस में साइड में जाकर TNT फोड़ना होगा, जिससे इनके गार्ड्स का ध्यान TNT की तरफ हो जाएगा। एंड तू क्या करेगा? जैसे ही तू TNT फोड़ेगा मैं इनविज लगाकर उस वॉर्ड को लेने जाऊंगा। मुझे लगता है तू मुझे ही मरवाएगा, बट कोई ना, ट्राई करने में कही जाता है। ये कैसी आवाज थी? ओए जाकर देखो ये आवाज कहाँ से आई है। अभी सही समय है, वहाँ पर गार्ड्स भी नहीं है। अभी मुझे इनके सभी चेस्ट को चेक करना होगा। अच्छी बात तो ये यहाँ पर 3-4 ही बिल्ड्स हैं। भाई ये सभी बैरल्स खाली पड़े हैं, आई थिंक वो स्वॉर्ड इस वाली बिल्ड में तो नहीं है। एक सेकंड, कहीं वही तो नहीं है सोल ईटर? पर ये स्वॉर्ड तो इसकी इन्वेंटरी में है। अबे मैकेमोन कहाँ पर है तू? हाँ बोल क्या हुआ? अबे एक दिक्कत हो गई है, वो स्वॉर्ड उसकी इन्वेंटरी में है, हम कैसे लेंगे वो स्वॉर्ड? इसे मार कर। अबे कहाँ जा रहे है तू? और कोई रास्ता भी नहीं है, इसे मार के हम वो स्वॉर्ड ले सकते हैं। ये भी तो सही कर रहा है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जो स्वॉर्ड हमें चाहिए थी वो उस प्लेयर की एंट्री में थी। उस वार्ड को लेने का एक ही रास्ता है, जो कि है उस प्लेयर को मारना। रेडी रहे से मारने के लिए? कौन हो तुम एंड करने क्या आए हो यहाँ पर? ओह वाओ, तो तूने हमें देख लिया। देख हमें 100 लीटर चाहिए, वो भी अभी। मैंने आज तक इस सॉर्ड को किसी के हाथ नहीं लगने दिया, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सॉर्ड इतनी आसानी से दे दूंगा? भूल जाओ। अगर तू हमें इज्जत से सॉर्ड दे देगा तो हम तुम्हें जाने देंगे।
तुम दोनों को अभी के अभी मैं 1 मिनट कर सकता हूँ। बहुत हो गया तुम लोगों का, अभी मरने के लिए रेडी। लेकिन उससे पहले तुम मेरे से 1 हिट हो। अबे स्ट्राइडर तू यहाँ पर कैसे? अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? मेरे पे 1 हिट बो पड़ी थी जो कि ओनली नॉर्मल प्लेयर्स के ऊपर यूज होती है। मैं वो बो तुम्हें देना ही भूल गया। इतनी बड़ी चीज भूल गया है तू भाई? अबे अभी मर जाते तो। एक सेकंड, तेरे पे 1 हिट बो आई कहाँ से? प्रिजन में जाने से पहले मुझे ये बो एक हैकर की बेस से मिली थी, पर उस हैकर ने मुझे बो लेते हुए देख लिया एंड मुझे मार के प्रिजन में भेज दिया। पर मैंने इस बो को एंडर चेस्ट में रख दिया था एंड इसलिए ये बो अभी तक मेरे पास है। एंड बाय द वे ये लो 100 लीटर। फाइनली मिल गई हमें स्वॉर्ड। तो तुम्हें उस कमांड ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करना है। यहाँ से एरिक हैक यूज करने के लिए व्हाइट लिस्टेड है। मुझे उस कमांड ब्लॉक की जगह के कोड्स बताए, बट मैंने सुना है वहाँ जाना बहुत डेंजरस है। तू हमें बस कोड्स बता, बाकी सब तो मैं संभाल लूंगा। अबे तू कौन है? I am Zord. तुम सबको मैं मार दूंगा।